मैं बहुत सारी वीडियो के नीचे क्वेश्चन देख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि DSSSB में जो 2023 की वैकेंसी निकल रही है, जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं और अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं, अभी वो अपियरिंग हैं, क्या ये लोग भी उस वैकेंसी को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे? मैं इस पर आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए आया हूँ। देखो, एक नोटिफिकेशन निकल गया है जो PGT का निकला था, उसमें एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है TGT की। PGT के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने केवल BEd किया हो और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। TGT के और PIT के लिए आप लोगों को सीटेट की आवश्यकता है। PIT के लिए जो है वो लेवल 1 जो आपको पेपर 1 है, और इसके लिए पेपर 2 TGT के लिए। तो अभी आप लोगों को मैं बताऊं, इस नोटिफिकेशन के आधार पर, जैसे ये आप लोग DSSSB की वेबसाइट पर जाकर के देखते हैं, यहां आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 दिखता है। इसमें जो TGT की पोस्ट है, यहां TGT की पोस्ट पर जो इसके लिए एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है कि सीटेट आप लोगों को चाहिए, कंडक्टेड बाय CBSE जो है, वो भी पेपर 2 आप लोगों को चाहिए। लेकिन कब तक का चाहिए? आपका एग्जाम होगा अगस्त में, चलो उस पर भी आएंगे। 21 पेज पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि अपियरिंग वाले मान्य है या नहीं है, इसका डेटा यहां पर दिया हुआ है एलिजिबिलिटी सेक्शन में जाकर के। देखो, नीचे थोड़ा सा चलते हैं तो यहां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और यह लिखा हुआ है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें कि आपका एज है, एक्सपीरियंस है, या जो भी कुछ है आप लोगों को स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट, शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 15 सितंबर 2023। मतलब आप लोगों को एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, वो 15 सितंबर तक आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस डेट तक आपके पास ये अर्हताएं होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीएड किया है, आपके पास सीटेट है, जो भी आप लोगों के पास है, वो सब कुछ आपके पास 15 सितंबर से पहले पहले होना चाहिए। अब यहां ये बात आती है कि 20 तारीख को आपका सीटेट का एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों को 15 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट आने की कतई संभावना नहीं है। यह बात भी है, या तो इसकी डेट बढ़ जाए आगे और नए सीटेट वालों को कंसिडर कर लिया जाए, या फिर तरीका यह है कि जो नई पोस्ट आएगी, हो सकता है जो नया जो नोटिफिकेशन आएगा, मुझे जहां तक लगता है वो 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। अगर उसमें ऐसा हुआ कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम 15 दिन का और बढ़ा करके दिया जाए, कि ये तो चलो PGT वाला हुआ, स्पेशल एजुकेटर के लिए तो आप लोग जहां तक है नहीं भर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा आपका 15 सितंबर तक। पर जो नई पोस्ट आएंगी, अगर ऐसा हुआ, अधिकतर चांस तो मैक्सिमम चांस नहीं है कि वो भी सेम डेट रहेगी आपकी फॉर्म भरने की, पर अगर मान लिया उसमें अगर आप लोगों को डेट बढ़ने की संभावना हुई और उसमें डेट बढ़ करके नोटिफिकेशन निकला, उसकी लास्ट डेट जो है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरू तक हुई, तो फिर आप लोगों को अवसर मिल सकता है। पर उसके चांस जो है वो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया हो। अभी सीटेट के रिजल्ट की डेट नहीं पता है, अभी नए फॉर्म की डेट नहीं पता है, बस आप लोगों को ये जरूर बता रहा हूं कि अपियरिंग वाला तो मान्य नहीं होता है, आपके पास आपके हाथ में वो रिजल्ट सीटेट का होना चाहिए। तो जब वैसे जैसे ही वैकेंसी निकलती है, तो अब आप लोगों को ये चेक करना होगा वैकेंसी की जो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, उससे पहले अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ गया तो आप लोग मान्य होंगे। मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है उसका रिजल्ट आपका सीटेट का उससे पहले पहले आ जाए और आप लोग DSSSB में आवेदन कर पाए। तो तैयारी कीजिएगा, लेकिन जो भी है इसमें नहीं तो अगली वैकेंसी में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। वैकेंसी तो DSSSB हर साल निकालता ही निकालता है। और कोई प्रश्न हो तो आप लोगों को मैंने वीडियो सेक्शन में सारे प्रश्नों का आंसर किया है, DSSSB क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और ये जो पोस्ट कितनी आएंगी, सब चीजें आप लोगों को बताई हैं। वीडियो जाकर के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग मुझे इसका बताइएगा, कोई भी प्रश्न है तो छोड़िएगा। धन्यवाद, नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, ये आपको पता है ना।